बिहार की राजनीति में जो सियासी हलचल है उसको देखने के बाद आनंद की बात तो नहीं लेकिन मजा जरूर आता है। अब उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये उन्हीं से पूछ लीजिए, ये मेरा बयान नहीं है, ये बयान है सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। जब मीडिया के साथियों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे ये उन्हीं से पूछ लीजिए। अब बात आती है उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस बयान के बाद अपना बयान जारी किया कि पहले भी पार्टी भाजपा के साथ 3-4 बार जा करके मिल चुकी है, जब पार्टी ही ऐसा कर सकती है तो मैं तो पार्टी का एक नेता हूं, मैं कहां जाऊंगा कहां रहूंगा ये मेरे अलावा दूसरा कोई तय नहीं कर सकता है, ये सिर्फ मैं तय करूंगा। अब क्या वास्तव में उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में जाएंगे? कुश का कमल के प्रति जो प्यार दिख रहा है, दिल्ली में वो इलाज करा रहे हैं और भाजपा के नेता उनसे मिलने पहुंच रहे हैं, इससे सियासी हलचल जो है तेज हो चुकी है। हालांकि इस बीच ललन सिंह का भी बयान आया है कि जिसको भाजपा में जाना था वो चला गया। साफ तौर पे उनका कहना यही था कि आरसीपी सिंह को भाजपा में जाना था, वो पार्टी से निकल गए, अब वो भाजपा में है नहीं लेकिन बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, वो अलग बात है। अब रही बात उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा एक प्रोफेशनल है, पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जब अपने पार्टी का विलय करके जदयू ज्वाइन किए थे तो उन्होंने पूरे राज्य भर का दौरा किया था, वो इसलिए किया था कि जदयू पार्टी को मजबूत किया जाए। हालांकि उन्होंने बाद में यह बयान दिया कि पार्टी पहले से कमजोर पड़ी है। कोई भी बयान आरजेडी की तरफ से आता था, राजद की तरफ से कोई भी बयान सार्वजनिक होता था या पार्टी का कोई भी नेता सुधाकर सिंह की बात कर ले या फिर अन्य नेताओं की बात कर ले तो उसमें सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा आकर के ट्वीट करते थे और फेसबुक के माध्यम से मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच अपनी बात रखते थे कि साफ तौर पे पार्टी को और नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है। तो अभी तक का जो सीन था, जो सिनेरियो था, उसमें साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू के प्रति नीतीश कुमार के प्रति लॉयल थे, हॉनेस्ट थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी। अब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में इलाज करा रहे हैं, कयास ये लगाया जा रहा है कि वो अब भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जब मीडिया के साथियों से उन्होंने बात किया था तो बताए थे कि हम कोई मठ में थोड़े हैं, मठ में पूजा करने थोड़े आए हैं, जनता का सेवा करने आए हैं, अगर हमें भी कोई पद मिलता है तो मैं उस पद पर कार्यरत होऊंगा और उस पद का कार्यभार संभालूंगा। यानी साफ तौर पे कयास लगाया जा रहा था कि उप मुख्यमंत्री बनने का सपना उपेंद्र कुशवाहा देख रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने सार्वजनिक बयान में स्पष्ट कर दिया कि जदयू की तरफ से कोई जो है उप मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा है। उसके बाद यूं लगा कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में अनाथ हो गए हैं, उनका पार्टी में कोई उस तरह का इमेज नहीं है जो लोगों को शायद जो लोगों को लग रहा था। लेकिन अब बात है क्या उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में जाएंगे? जी हाँ, जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं। जब जदयू बार बार आरजेडी से अलग होने के बाद भाजपा में जा सकती है तो उपेंद्र कुशवाहा तो एक नेता है, लेकिन क्या भाजपा में जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का भाजपा में जाने के बाद पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो कुछ विधायकों को लेकर के साथ में जाएंगे या पार्टी फिर से कमजोर हो जाएगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। यूं अभी की बात करें तो गहमागहमी चल रही है, अब ये देखना है कि उपेंद्र कुशवाहा कहां जाते हैं। 2024 और 2025 के चुनाव को देखते हुए बिहार के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो जिन्हें अपना कम्युनिटी बेस का समर्थन प्राप्त है या फिर जो जिनका कार्यशैली बहुत पुराना है, वो कहीं ना कहीं अपने चेहरे को स्थापित करने में, चुनाव को लड़ने में या फिर अपने अंडर में चुनाव लड़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब बिहार की राजनीति में आगे क्या होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल देखते रहिए कि उपेंद्र कुशवाहा कहां जाते हैं। नीतीश कुमार के बयान से तो साफ जाहिर हो चुका है कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में अब वो बात नहीं रही, उपेंद्र कुशवाहा जदयू के लिए अब उतने ईमानदार नहीं दिखेंगे। तो इस हाल में क्या उपेंद्र कुशवाहा जदयू के साथ बने रहेंगे या फिर उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए जदयू उन्हें कोई मंत्री का पद देगी या फिर लोकसभा चुनाव में उनके अनुसार उन्हें कोई सीट दिया जाएगा या फिर उनके द्वारा रिकमेंड किए गए नेताओं को लाया जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा अपना चेकअप करा रहे हैं, इलाजरत हैं।
हम भी चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जल्द से ठीक होके बिहार आए और बिहार आने के बाद वो भाजपा में जाएं या जदयू में रहें या आरजेडी में जाएं, ये तो समय बताएगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हैं तो प्लीज कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। तो बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।